आज 59वें नागरिक सुरक्षा दिवस आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हमारे प्रभारी श्री अजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि श्रीमान एसडीएम साहब का बुके देकर स्वागत करें। भारत माता की जय। देश के किसी भी हिस्से में आई आपदा हो या लोगों के जान माल की रक्षा हो, मुश्किल परिस्थितियों में अपनी परवाह किए बिना संगठन के जांबाज नागरिकों के संकट मोचन बनकर सामने आते हैं। कानून व्यवस्था का विषय हो या समाज के कमजोर वर्गों तक मदद पहुंचानी हो, सामाजिक समरसता का कार्य हो या आपदाओं में तत्परता से योगदान देने की जरूरत, करीब 6-10 संगठन यह कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से कर रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स के रूप में संगठित संगठन के कर्मियों ने देश के प्रयासों को लगातार ताकत दी है। एक देश और समाज के रूप में हमारा आपसी जुड़ाव और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हमारी प्रगति का आधार है। किसी भी बिल्डिंग में, किसी स्थान पर, गली आबादी में आग लगने पर जो नाके से राहत और बचाव का कार्य करते हैं, ये सब इस डेमो ड्रिल के द्वारा दिखाया जाएगा। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। भरतपुर में भी इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम परिसर में नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। नागरिक सुरक्षा के उपनियंत्रक एसडीएम देवेंद्र परमार ने झंडारोहण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत जो अपनी राज्य सरकार की गाइडलाइन है डिपार्टमेंट की, उसके तहत दिनांक 3 दिसंबर से यहाँ संयुक्त अभ्यास चल रहा है। सभी वॉलंटियर यहाँ पे तरह तरह के डेमो, फायर ड्रिल, स्ट्रेचर ड्रिल, फर्स्ट एड पार्टी, विभिन्न प्रकार की आपदा में बचाव के उपायों के बारे में यहाँ इनको ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ अभी हमें फायर ड्रिल का, आग लगने पर किस तरह से बचाव के उपाय किए जाते हैं, उसका सफलतापूर्वक डेमो दिया गया है। और सभी स्वयंसेवक यहाँ पे कंट्रोल रूम पे जो भी हमें सूचना मिलती है उसके आधार पे यहाँ 24 घंटे ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं।